मुरादाबाद से खबर है, जहां पर थाना जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें गुम हुए 240 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और मुरादाबाद जीआरपी पुलिस ने बरामद किए हैं और इसके साथ ही सात मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल को दे दिया गया है। 240 मोबाइलों की बरामदगी करके इनके धारकों को वितरित किया जा रहा है। 50 से अधिक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको अभी वितरित किया जाएगा। कुछ लोगों को मेरे द्वारा अभी दिया गया है। लगभग 48 लाख की कीमत के मोबाइल हैं और ये मोबाइल 2022 से लेकर के अब तक के विभिन्न समयावधियों के थे जो गुम हुए थे, जिन्हें हमारी टीम ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, अन्य जिलों से बरामद करके यहाँ एकत्रित करके इनको दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, दो एक दिन उनका वेट किया जाएगा, इसके बाद कुरियर से उनके घर के पते पर मोबाइल भेज दिया जाएगा। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है, COGRP मुरादाबाद ने, इंस्पेक्टर साहब ने और उनकी सर्विलांस की टीम ने और अन्य टीम ने मिल करके ये व्यापक बरामदगी आज की है। मुरादाबाद का पहला ये रिकॉर्ड है इस बात का, जीआरपी का मोबाइलों की संख्या बरामद। हाँ, ये काफ़ी संख्या में मोबाइल हैं जिन्हें आज वितरित किया जाएगा। इसके पहले भी मोबाइल बरामद हुए हैं, लेकिन आज की संख्या सबसे ज़्यादा है। कई लोग हैं इसमें, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये मोबाइल मिले थे या जिनको ये बेचे गए थे, उनके पास से मोबाइल बरामद। कुछ इनाम वगैरह टीम को? हाँ, टीम को इनाम दिया जाएगा, 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सर, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई आपका प्रयास? हाँ, प्रयास हमारा चल रहा है। एक तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने सामान को देखते रहें, देखभाल करें, और अगर कहीं वाशरूम वगैरह जाते हैं तो किसी को सुपुर्द करके जाएं और अपनी सामान की सुरक्षा करें। इसके साथ ही साथ अपराधियों पर कार्रवाई का भी लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। कितनी लागत के मोबाइल होंगे सर लगभग? ये लगभग 48,000 कीमत, इनकी 48 लाख कीमत बताई जा रही है और एग्जैक्ट कीमत तो एक एक का जोड़ करके ही बताया जा सकता है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।